गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, ये इकोनॉमिक्स का, मनी एंड क्रेडिट। तो आप लोग सब जानते हो जो मनी स्वीकार कर हमें एंड विदाउट मनी द वर्ल्ड कैनॉट गो रॉन्ग। ये मनी आया कैसे, ये जो फॉर्म है आजकल जो देख रहे हैं हम लोग, जो पैसा रुपया डॉलर पंगा ठिकाना, ये सब आया कैसे? क्या पहले के लोग इसी तरह रुपया डॉलर ये सब से काम करते थे? तो ये सब के लिए थोड़ा चर्चा करते हुए हम लोग ये थोड़ा क्वेश्चन आंसर का बारे में आगे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे कि पहले लोग कैसे एक्सचेंज यानी लेन देन करते थे, क्योंकि कोई एक आदमी, आप लोग जानते हो समाज में कोई एक आदमी अकेला नहीं रह सकता है, उसको जरूरत पड़ता है दूसरे चीज को, तो दूसरे चीज को जो लेगा दूसरे आदमी से तो उसके लिए उसको कुछ देने पड़ेगा, ये लेन देन जिसको होता है एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज होता था पहले इस प्रक्रिया से, उसको बोला जाता था बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर, BUTTER, बार्टर नहीं, बार्टर, समझ में आया? तो थोड़ा चर्चा करते हैं। वी डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वाइव्स, जो हम बोल रहे थे हम समाज में जब रहते हैं एक दूसरे पर निर्भरशील है हमारे जरूरत पूरा करने के लिए। This interdependence implies exchange of goods and services. ये जो एक दूसरे पर निर्भरशीलता के चलते जो सामान परिसेवा का लेन देन तो जरूरी है, तो यही बार्टर सिस्टम हुआ करता था जिसके जरिए गुड्स वर एक्सचेंज एट द टाइम। जैसे इन ओल्डर टाइम्स ए कॉबलर वुड मेक शूज इन रिटर्न फॉर व्हीट फ्लोर फॉर फार्मर। मान लो किसी एक मुझे को चाहिए गेहूं, वो गेहूं जाकर किससे खरीदे लेगा, किसान के पास, आप किसान के पास जाकर उसका जूता उसका सब ठीक कर देगा, जूता बना देगा, उसके बाद जो उसको गेहूं मिलेगा, समझ में आया? तो इस तरह से ये जो बार्टर सिस्टम इवेल्स इन द केस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स। देखो गौर से समझने का कोशिश करो, जो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स मतलब क्या हुआ, ये जो मुंशी कॉबलर जो किया किसान के पास, अब किसान को उस समय जूता चाहिए तभी ना वो जूता लेगा। अब मान लो उस समय किसान को जरूरत है गेहूं, तो क्या करे? तो ये जब तक किसान को जूता चाहिए और मुंशी को गेहूं चाहिए, ये दो डबल कोइंसिडेंस बराबर नहीं होगा तब तक ये बार्टर सिस्टम पूरा नहीं हो पाता था। दस इस तरह से द बार्टर सिस्टम कैन ओनली प्रिवेल, तो बार्टर सिस्टम तभी हो सकता है व्हेन बोथ द पार्टीज हैव एग्रीड टू सेल एंड बाय ईच अदर्स प्रोड्यूस, ये दोनों पार्टी अपना सामान खरीदना बेचने में तैयार हो जाता है। तो जाहिर है lack of double coincidence of points can make this impossible to implement, अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स नहीं होगा तो ये बार्टर सिस्टम नहीं हो पाएगा। हाँ, तो यही चीज मैंने आप लोगों को समझाया अभी, ठीक है। तो thus with the multiplicity of points, अब जैसे जैसे देखो समाज आगे बढ़ते गया, विकास होते गया, तो लोगों के जो सामान का जरूरत बढ़ते गया, परिसेवाएं बढ़ती गई, ठीक है। यानी इस तरह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड ग्रेटर नीड ऑफ एक्सचेंज बढ़ते गया। तो ये जो बढ़ते गया इसमें बार्टर सिस्टम प्रूव्ड टू बी एन इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम इनएफिशिएंट कायदे का नहीं। तो
उसी समय कि देन दैट मैन इन्वेंटेड मनी, तब इंसान ने मनी इन्वेंटेड किया. सिंस मनी एक्ट्स एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज सॉल्व द डिफिकल्टीज ऑफ एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम के जरिए जो प्रॉब्लम होता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स का जो मैंने प्रॉब्लम होता था, वो सब समाध होता था क्या मनी. देखो पहले क्या मनी का तौर पर क्या क्या इस्तेमाल होता था. डियर स्कीन वॉज यूज ऑल ओवर एंशिएंट यूरोप. पुराने यूरोप में हिरन का चमड़ा था के ऊपर लेन होता था. पुराने जो ग्रीस यूनान देश में क्या होता था, आयरन स्टिक्स वर यूज्ड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस. इसी तरह कौड़ीज वर यूज्ड एज मनी इन एंशिएंट चाइना. कौड़ी जानते हो ना, देखो पूजा में कौड़ी लगता है, वो कौड़ी हाँ पुराने प्राचीन चाइना में कौड़ी चालू रहता था. हाँ अब देखो, तो इस तरह से मनी उभर के आया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट. तो सोशल इंस्टीट्यूशन मनी हैज अंडरगॉन ए प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये जो समाज का जो इतना दिन से जो विकास होते गया, जो इवोल्यूशन होते गया, साथ ही साथ मनी का भी इवोल्यूशन होते गया. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ए वैरायटी ऑफ थिंग्स हैड बीन यूज्ड एज मनी. बहुत सारी चीजों को मनी का तौर पर इस्तेमाल किया गया. कमोडिटीज सच एज हाइड्स स्किन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल गोट्स and agricultural products such as rice, wheat had been used as money. Money मतलब क्या, जो कुछ कैसा चीज जिसके जरिए हम किसी से ले रहे हैं या किसी से किसी को दे रहे हैं, वह उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन होता हुआ करता है. तो ये सब कॉमोडिटीज मतलब सामान के जरिए हुआ करता था पुराने जमाने में. तो इन मोर रिसेंट टाइम्स metallic coins and paper notes have been used as a medium of exchange. Metallic coins, metal का जो सिक्का, ये नोट, ये सब शुरू हुआ. तो इस तरह से हमने आप लोगों को क्वेश्चन जो दिया, ये आप लोग लिख दीजिएगा. पहला क्वेश्चन, what is money? Money is the standard form through which exchange of commodities can be done smoothly. समझ में आया? Money is the standard form through which exchange of commodities can be done smoothly. Clear है? किसी को अगर कोई question है तो आपको phone करके जरूर बताइएगा, पूछिएगा. या मंडे जो पढ़ाएंगे तो आप हमसे पूछिएगा. अब ये question है, Why are consumptions made in money? Transaction money से क्यों होता है? Money solves the problem of double coincidence of wants. हम आपको तो बताया अभी double coincidence. दोनों को जरूरत होना चाहिए. कभी ये money मतलब कभी ये barter system सही होता था. लेकिन किसी एक को जरूरत है, एक को जरूरत नहीं है तो वो देगा. मान लो हम तुम्हारे पास गए हैं जो हमको थोड़ा सा हाँ चावल, हमको दो बोरा चावल, आप बोलोगे तो जो हाँ अभी तो हमारे पास चावल हम देंगे लेकिन उसको कितना पैसा दीजिएगा, तो पैसा आपके हिसाब से होगा. तो अभी हमारा जरूरत है, हम तुमसे लिए हैं पैसा से. तो उस समय मान लो जो किसी को जो कोई गरीब आदमी को जरूरत था, किसी किसान के पास दिया तो बोलेगा तो हम तो चावल देंगे उसके बदले तू क्या दे रहा. हाँ तो इस तरह से डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स में बहुत झमेला होता था. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स जो है वो सब खत्म हो गया था, ठीक है. तो इस तरह से मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स बाई एक्टिंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. मनी सेटिस्फाइड वांट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये जरूर लिख लें, ठीक है. इसके बाद मनी तो आगे बढ़ते गया. इसके बाद शुरू हुआ बैंकिंग सिस्टम.
क्योंकि लोग पैसा कमाता था, पैसा साथ में रख के तो नहीं जाना मुश्किल था, चोट डाकू का डर था, कोई पैसा गिर जाने का डर था, खो जाने का डर था, तो इसीलिए तो बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ। जब बैंकिंग सिस्टम शुरू होने का बाद क्या हुआ, एक चीज़ शुरू हुआ, उसका नाम है चेक। चेक आप लोग भी जानते हो, CAGTV चेक, व्हाट इज चेक, चेक इज ए रिटन ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक, इट इज ए ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड without any physical exchange of cash, समझ में आया, physical exchange of cash का कोई जरूरत नहीं होता है। इसके बाद है क्या, what do you understand by currency? Currency अभी तो बहुत ही हो गया। Currency is the simple form, क्या currency is the modern form of, currency is the modern form of money, includes paper and coins. कागज का सिक्का जो होता है ये है मनी। तो इस तरह से मनी का जो एवोल्यूशन होता है, बाटर सिस्टम से एवोल्यूशन होते होते मनी इसमें उभर के आया, ठीक है। तो इतना ही आप लोग लिख लेना ये चार क्वेश्चन, ओके।